जी तो व्यूअर्स, रमजान की आमद आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रमजान ग्रोसरी कर आए हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो हम जा रहे हैं मॉल ऑफ ओमान केयरफोर रमज़ान ग्रॉसरी करने, तो यूं ही बने रहिएगा मेरे साथ। तो जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा करती हूँ केयरफोर से ग्रॉसरी, तो इस बार रमज़ान की जो ग्रॉसरी शॉपिंग थी वो भी मैंने की केयरफोर से, और केयरफोर में बहुत ही बेहतरीन सी ऑफ़र लगी हुई थी हर चीज़ के ऊपर बेहतरीन ऑफ़र, खाने से रिलेटेड हर चीज़ पर, ड्राई फ्रूट्स पर, गोश्त पर, बटर, मिल्क, दूध, दही, चावल, दालें, जितनी भी चीज़ें, इवन के बेसन, जितनी भी चीज़ें रमज़ान में मोस्टली यूज़ होती हैं, उन तमाम चीज़ों पे बहुत ही बेहतरीन सी ऑफ़र थी और हमने जो है इस ऑफ़र को अवेल किया और मैंने इन्हीं ऑफ़र्स में से अपनी तमाम रमज़ान की ग्रॉसरी की है। तो यकीन कीजिए कि बिल्कुल फ़र्क आया है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखे हुए रमज़ान के पेजेस भी उन्होंने बनाए हैं और किचन से रिलेटेड जो आइटम्स थे, बर्तनों से रिलेटेड जो आइटम थे उस पर भी बेहतरीन सी ऑफ़र थी, और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी बहुत ही बेहतरीन सी ऑफ़र थी। तो मेरा सैंडविच मेकर ख़राब हो गया है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक जो है अपनी ये वाली ऑफ़र भी अवेल करूँगी सैंडविच वाली। तो यूँ ही बने रहिएगा मेरे साथ और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो जो है वो बहुत बेहतरीन बनी है। तो हम मॉल ऑफ मस्कत में जो है वो इंटर हो चुके थे और अब हम आए हैं केयरफोर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया पम्फलेट के क्या किस किस चीज़ पे कौन कौन सी ऑफ़र थी, और हमेशा मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पम्फलेट उठा लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या ऑफ़र लगी है और फिर मुझे उससे जो जो चीज़ें लेनी होती हैं मैं लेती हूँ। तो यहाँ मैंने न्यूट्रेला ली, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और सब्ज इलायची थी वो ली है। रमज़ान में चना चाट तो ज़रूर बनाई जाएगी, तो यहाँ मैंने जो है वो चने लिए हैं, वाइट और ब्लैक दोनों। और मरियम को देखिए बहुत ही मज़े से जो है वो डिवाइस के थ्रू स्कैन कर रही है। अब माशाल्लाह ये लोगों को स्कैन करना आ चुका है, तो बड़े मज़े से ये लोग इंजॉय करती हैं हमारे साथ ग्रॉसरी में। मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे ग्रॉसरी करते हुए बहुत अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, क्योंकि हम उनको वो सब कुछ करने देते हैं जो कि वो करना चाहते हैं। तो यहाँ बड़े मज़े से मरियम स्कैन कर रही थी और मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। ये वो एरिया है स्टार्टिंग में ही जहाँ पे ऑफ़र्स की तमाम चीज़ें मिलती हैं और ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने यहीं से बाय की थी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ लज्जत की ग्रीन चिली चटनी और यहाँ मैं लज्जत का ही जो है वो नमक ले रही हूँ, पिंक सॉल्ट। तो हमारी कोशिश होती है कि ब्राउन जैसे शुगर यूज़ करते हैं ऐसे पिंक सॉल्ट भी यूज़ करें, सिर्फ थोड़े से पैसों का फ़र्क होता है पर अपनी सेहत का ख्याल करते हैं और इन छोटी मोटी चीज़ों को नहीं देखते। उसके बाद देखिए, जब मरियम स्कैन कर रही है तो फातिमा कैसे पीछे रह सकती है, अब यहाँ पे फातिमा भी कुछ चीज़ों पे स्कैन कर रही है। तो पूरे केयरफोर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी से फीलिंग आ रही थी कि रमज़ान जो है वो आ चुका है, तो अल्लाह पाक ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में खैर वाफियत से लेके आए हमें बहुत सारी इबादतें करने की, और हमने जो इबादतें की हैं उनको अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो यहाँ अब हम ले रहे हैं जूसेस
और अब मैं जाऊंगी कुछ दालें लेने, तो मुझे दालें भी चाहिए थी। तो जहां से ऑफ़र थी वो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब 5-5 kg की दालें थी, तो इतनी दालें रमज़ान में यूज़ नहीं होंगी, तो मैं ये चीज़ें ऑफ़र से मैंने नहीं ली। और 1 kg के पैकेट मैंने जहां पे दालें होती हैं वहां से ली, क्योंकि बच्चों का तो रोज़ा नहीं होगा, तो फातिमा और मरियम के लिए यहाँ मैंने नूडल्स ले लिए। अब आए हैं हम वेजिटेबल पोर्शंस पे, तो देखिए माशाल्लाह कलरफुल, इतनी साफ़ सुथरी वेजिटेबल्स, इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल तो चाह रहा था कि जब मैं, यकीन कीजिए जो कैमरे की आँख देख रही है वो नहीं, जो हम रियल में ये साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ देख रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब जो है अली हमेशा बच्चों को बहुत इंजॉय करते हैं, और इस दफ़ा एक न्यू फ़िश अली जो है उसकी डिटेल फातिमा को दे रहे थे, और मरियम जो है वो इस टाइम सो चुकी हैं, तो स्ट्रॉलर पे मरियम सोई हुई थी, तो और हमें आसानी हो गई, नहीं तो फ़िश देख के मरियम तो बिल्कुल पता नहीं उसको क्या हो जाता है, और फ़िश की आँखों में जो है वो बाकायदा फिंगर्स डालती है और बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो यहाँ पर फ़िश मैंने जो है कुछ वीडियो कैप्चर की ताकि मेरी वीडियो खूबसूरत हो सके। तो और उसके बाद अब हम आए हैं फ्रूट एरिया में, तो फ्रूट्स पे भी बहुत ही बेहतरीन सी ऑफर्स थी, तो जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी वो मैंने ख़रीदी, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी हो गई, और यकीन कीजिए बिल्कुल बजट के हिसाब से हमने ग्रॉसरी की है अपने, और हमें बहुत ऑफ़र्स की वजह से फ़ायदा भी हुआ है। तो अल्लाह पाक सब के दस्तरखान को जो है वो कुशादा करे, अल्लाह पाक सब के दस्तरखान को हरा भरा रखे, और ये रमज़ान का महीना खैर वाफियत से हमारी ज़िंदगी में आए और ख़ुशी ख़ुशी हमारी ज़िंदगी से जाए, और नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में आए। तो यहाँ मैं आपको फिर कुछ डेकोरेशंस दिखा रही हूँ कि इतने बेहतरीन से जो है वो रमज़ान मुबारक के जो है वो फ्रूट्स एरिया पर, वेजिटेबल्स एरिया पर और दूसरी जगहों पर ये बैनर्स लगाए हुए थे। तो यकीन कीजिए दिल बहुत खुश हो रहा था, और मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि मेरा केयरफुल जाना होगा, तो मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी किस्म की खजूर थी, ये अजवा खजूर है और सागी, लास्ट टाइम मैंने खलास खजूर ली थी तो वो बहुत मीठी थी, हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, तो इस बार भी मैंने खलास ली है और सागी खजूर ली है। तो अब मैं आई हूँ ड्राई फ्रूट वाले पोर्शन पे, तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से तमाम ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। यहाँ से मुझे जो जो ड्राई फ्रूट लेने थे मैंने वो भी लिए। अब हम पहुँचे हैं बेकरी आइटम्स पे, क्योंकि अभी रमज़ान में एक दो दिन है तो ये चीज़ें अभी यूज़ होंगी, ब्रेड से रिलेटेड या कुछ भी बन से रिलेटेड। तो बस मेरी ग्रॉसरी हो गई कम्प्लीट, हमने सेल्फ चेकआउट कर लिया है, और जो हमारी रसीद आई है उसको हम शो कराएंगे और हमारा डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो, अब घर जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। जी तो व्यूअर्स, रमज़ान की आमद आमद है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान ग्रॉसरी कर आए हैं। आज हस्बैंड फ्री थे तो बस फिर हमने की ग्रॉसरी केयर फोर्स से, और आप लोगों को बताऊं कि बहुत रश नहीं थी, थोड़ी सी रश थी लेकिन फिर भी मुझे सामान लेना था, इसलिए मैंने बहुत कम वीडियो बनाई। मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, लेकिन फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती, अल्लाह पाक सबके रिस्क में जो है वो बरकत डाले, सबको रमज़ान की जितनी भी अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सबको जो है वो चखना नसीब करे। पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो चुकी है, पर अल्लाह पाक अपना रहम करम करेगा पाकिस्तान पे भी, और जो है हमारी ज़बरदस्ती जो है वो ग्रोसरी आ गई है। अल्लाह पाक मेरे भी हस्बैंड की जो है वो रोज़ी में बरकत डाले, और जितने मेरे बहन भाई हैं उन सब की रोज़ी में भी अल्लाह पाक बरकत डाले। तो बस ये रमज़ान है, ये ज़रूरी चीज़ें थी जो लेनी थी, तो मैं ग्रॉसरी करके आ गई हूँ। हम लास्ट टाइम गए थे तो हमें खलास जो है ये खजूर जो है बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था, तो वो ली है। इसके अलावा लबन, मिल्क, और यहाँ ली है मैक्रोनी, सवैयाँ, बेसन, इलायची ली है, और बहुत सारी चीज़ें अभी नीचे पड़ी हैं जो जो सामान मैं रख सकती थी यहाँ पे मैंने वो रखा है। बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, इलायची ली है, ये हमने जो है वो किशमिश भी ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वाइट चने लिए हैं और ब्लैक चने लिए हैं, घी लिया है, फातिमा के लिए न्यूट्रेला भी ली है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा तो रोज़ा होगा, उसको भूख लगेगी तो न्यूट्रेला ऐसी कुछ। और मैं टोमेटो पेस्ट यूज़ करती हूँ तो मैंने पूरा पैकेट ले लिया है। इसके अलावा सॉसेज में मैंने केचप भी लिया है, अच्छा मैंने चिली गार्लिक, हाँ
चिली गार्लिक सॉस भी लिया है और हॉट सॉस लिया है, यहाँ पे मायो गार्लिक लिया है। जूसेस तो बहुत सारे किस्म के लिए हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, और यहाँ पे मैंने लेमन जूस भी लिया है, मैंगो और ऑरेंज, ऑयल है, टिश्यूज़ हैं, और मैंने पेपर प्लेट्स भी बहुत सारी ली हैं, और यहाँ पे लिप्टन्स ली हैं, जो जो चीज़ें आ सकती थी यहाँ पे, और मैंने वो जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अपनी वीडियो में कैप्चर कर ली हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इस रमज़ान रोज़ी में बरकत दें, आमीन।